अस्सलाम वालेकुम जी एन प्यार परी सत श्री अकाल आदाब मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साड़े वाला एंड वैब टीवी साड़े वाला ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो जी हाँ जी काफ़ी दिनों बाद रेडियो साड़े वाला दी टीम जिहड़ी है दोबारा आ गई है तुहाडे सामने आपां अज एक बहुत ही प्यार भरी यादगार जिहड़ी है उहनूं दिखाउण वास्ते पहुंचे हैं तुहाडे तक। 4 to 6 साल पहले मैं आया सी गैह पिंड दे विच। गैह पिंड जिहड़ा है ये बहुत ही एक तारीखी पिंड है इंडियन सरकार नूं जिन्हें 10 साल वास्ते एक PM दिता जिसका नाम सी डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह। असी अज उन्हां दीआं यादां ताज़ियां करन वास्ते सुनिया है एक हफ्ते तो उन्हां दी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कई बार तो असी एक दो बार विच सुनिया कि वो दुनिया तो ही स्वर्ग सधार गए ने पर खबरां दी तरदीद हो चुकी है कि उन्हां नूं ऑक्सीजन लगी हुई है उन्हां दी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा अगर जिंदगी आखिरी साह गिणदा होवे उन्हूं उहदी बचपन दीआं यादां दिखा दित्तियां जाण ते कहिंदे ने कि उहनूं बहुत ही उहदी रूह नूं बहुत ज़्यादा सुकून मिलदा है। तो अज की एपीसोड जिहड़ी है खास असी आ रहे हैं डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी वास्ते। अज असी उन्हां दे स्कूल ही गैह प्राइमरी स्कूल दे विच पहुंचे हुए हैं जिथे उन्होंने अपनी मुढ़ली तलीम पहलियां 4 जमातां जिथे पढ़ियां सन असी उसे थां दे उत्ते अज पहुंचे हाँ और अज तुहानूं असी उस स्कूल भी दिखाने हैं और उस स्कूल का रजिस्टर्ड भी दिखाने हैं जिहदे विच उन्हां दा नाम अज भी लखीचिया होया अपने दोस्तों बिल्लियां दे नाल। वैसे तो सरदार मनमोहन सिंह जी 1932 दे विच इसे ही पिंड दे विच पैदा होंदे ने। अजकल इस दी डिस्ट्रिक्ट है चकवाल नॉर्थ वैसट पंजाब धनी दा इलाका है। उस तो पहले हुंदा सी जी जेलम डिस्ट्रिक्ट लेकिन जदों डिस्ट्रिक्टां जिहड़ियां ने छोटियां कीतियां गईयां जिला बंदियां छोटियां कीतियां गईयां ते चकवाल दे हिस्से दे विच आया गैह और गैह अपने रख रखाओ और अपना कल्चर दे हवाले नाल अज भी बहुत उत्ते है। चलते हाँ अंदर और तुहानूं असीं दिखाने हैं लेकिन एक बार असीं तुहानूं बैक दिखाने हैं कि एक सरदारां दा घर तुसीं अज भी देख सकते हो। वह उच्चा बूआ वह पक्का बूआ और फुलकारी कीता हुआ बूआ जिहड़ा है उहदे उत्ते अज भी शब्द लिखे हुए हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद ते सरदार दा घर होवे और एक ओंकार नाल लिखिया होवे। इह किस तरह हो सकता है कि जिस तरह कि तुहानूं चकवाल भवन दे विच पिंडी दे विच और बहुत ज़्यादा सारिया जगह के उत्ते मैं सरदारों के घर दिखाए जिन्हों के उत्ते गुरु खंडे बने हुए हैं और एक ओंकार लिखा हुआ है जितों सानू पता लगता है कि ये घर जिहड़ा सी वो सिख फैमिलीज़ के नाल बिलोंग करता सी। आओ चलते हाँ अंदर तो असी देखते हाँ कि स्कूल दे विच किदां और रजिस्टर और रिकॉर्ड जिहड़ा अज भी बिल्कुल पुरातन सांभ के रखिया हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं धूप है जरा थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये हां जी इत्थे दे वेरी यंग हेडमास्टर मास्टर मोहम्मद उमर अल्तमिश साहब जी। माशाल्लाह पग दस्तार तुसी देखो चकवालियां दी धनी दी अपनी ही पग है। देखो मैं सेंट्रल पंजाब की पग बनी हुई है और इन्होंने जिहड़ी है अपनी दस्तार सजाई हुई है मैनूं बहुत ही वधिया लग रहा है ते मास्टर साहब नाल गल कर रहे हैं। जी जी मास्टर साहब क्या अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाओ ठीक है। असी अज तुहाडे नाल गल करन वास्ते आए हैं डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी वास्ते कि उन्हां दी तबीयत बहुत खराब चल रही है ते असी क्या कि एक बार उन्हां दीआं यादां जिहड़ियां ने दोबारा ताज़ी। जी जी मैं भी वेखदा रहा ना ये न्यूज़ पर भी मीडिया से भी कि उन्होंने तबीयत काफ़ी खराब है। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाए। मास्टर साहब असी देखना चाहवांगे और रजिस्टर जिदे ते उन्हां दा अंदराज होया सी जिथे उन्हां दा दाखला होया सी असी वेखना चाहवांगे कि सन तुसी अज दिखाओगे। जी इंशाल्लाह जरूर आओ आओ जी चलने हैं जी। जी असी हेडमास्टर साहब दे कमरे कोल पहुँच गए हैं। हेडमास्टर साहब साडा इंतजार कर रहे हैं। चलते हाँ तो असी तुहानू ओ पुरातन तवारीखी जिहड़ा रजिस्टर है वह दिखावांगे जिहदे विच
अपना सरदार मनमोहन सिंह जी की जिहड़ी है रजिस्ट्रेशन हुई या इत्थे दाखला जिहड़ा सी वो होया सी उस वेले। आओ जी जनाब, बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं इन्ना टाइम भी दिता और उस तो बाद मैनूं बहुत अच्छा लग रहा। वाह जी वाह, तुसीं ते साढ़े तो पहले ही सर बस जी, जदों मैं पता लग्या तुसीं आ रहे हो तो फिर मैं इंतजाम कर लिया ताई थोड़ा वक्त घट जाए हो तो सर्विस घट जाए हो। थोड़ा जिन्ना जी असीं इत्थों तुहानूं दसदे चलीए कि यह सारे नाम ने जिहड़े कि चलते आ रहे हैं और उन्हां दे विच जिहड़ा अपना किन्नवें नंबर ते ने जी, ठीक है जी, ये तुसीं देखो अगर 187 नंबर दे उत्ते, 187 नंबर दे उत्ते सन 14 4 यानी कि अप्रैल की 17 तरीक नूं और 1937 नूं जिहड़ा उन्हां दा एडमिशन होया, यानी कि 32 दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा है और 37 दे विच यानी कि 5 साल की उम्र, हालांकि उस वेले बच्चे 6 साल की उम्र स्कूल जड़े सन वो जाते सन, बट ये बड़े सोहने सोहने नाम जड़े ने। पहले नंबर पर तुसी देखो अगर मुहम्मद खान शाहवली खान, अजब सिंह, वाह जी वाह, अजब सिंह वल्द ईशर सिंह, उस तो बाद मुहम्मद सैन, बख्त बानो और जगत जगिंदर सिंह और वल्द जड़े ने अवतार सिंह और मुहम्मद अशरफ, वल्द अल्फदीन, बख्त बानो और मनमोहन सिंह। ए उस्ताद डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी का 187 नंबर के उत्ते और उस तो बाद लिखे हुआ 4 फरवरी 1900 4 फरवरी, वाह जी वाह, पूरा उन्हां दी डेट ऑफ बर्थ भी मैनशन है जी, 4 जनवरी 4 फरवरी 1932 और उन्हां दे वालिद साहब का नाम गुरमुख सिंह जड़ा, वाह जी वाह, और जात कोहली, देखो जी खतरियां दियां जिहड़ियां कह लवो तुसीं अगे क्लेन्स ने उन्हां दे विच ने और पेशा उन्हां दा जिहड़ा है दुकानदारी, वेरी गुड, और उस तो बाद पहली क्लास दे विच दाखला और मदरसा जिहड़ा छोड़िया है, वाह जी वाह, 31 3 41 नूं ते उस तो बाद पास करना, पास करके तो खारिज हो गए इत्थों, वाह, 4 क्लासां सन, 5वीं दा जिहड़ा हुंदा सी ओह बोर्ड हुंदा सी, उस तो बाद जगिंदर सिंह ने और उस तो बाद अहमद खान ने, फिर तीरथ सिंह ने, उन्होंने वालिद का नाम भी अगो जगत सिंह है, फिर मुहम्मद सरवर सरवर ने, वल्द इमामदीन ने, तरलोक सिंह ने, कृपाल सिंह ने और बजाज, इन्हों का बजाज जड़े सन जिन्होंने बजाज कहा जाता सी, फिर उस तो बाद सविंदर सिंह ने और उन्होंने वालिद साहब जड़े ने हरी सिंह और जरगर यानी कि गोल्ड स्मिथ सन, गुरबचन सिंह, वल्द चरण सिंह पेशा मजदूरी और कोहली सन भी, सुल्तान अली ने इन्हों का हयात मुहम्मद और पेशा काश्तकारी और पिंड का नाम बेगाल और मुहम्मद सादक, वल्द गुलाम मुहम्मद, मुहम्मद आशक हुसैन, टवाणा खान और उस तो बाद अहमद खान, अब्दुल्ला खान, मुहम्मद खान, अब्दुल्ला खान, नज़र हुसैन, गेबर खान, वरियाम सिंह ते अगे वल्द जिहड़ा सुजान सिंह और साणी सन, दुकानदार सन और मुंडे दे सन, मुंडे तो प्रायमरी पढ़ने वास्ते इत्थे आंदे सी, वाह जी वाह, मुंडे विच ते वैसे अपना भी स्कूल सी, चमन लाल, ए जी पहले हिंदू किसी वीर का नाम आ रहा, करोड़ी शाह, देखो इत्थे गल आ गई है करोड़ी ते शाह भी, ठीक है जी, गल साबित हो गई जी, उही वाली जिहड़ी शाह वाली शाणियां वाली जिहड़ी गल मैं कह रहा सां, मुगला मुगला तहसील तलागंग, ठीक है जी, और वालद डॉक्टर सी इन्हों का, क्या बात है जी, उस वेले डॉक्टर साहब का पुत्र इत्थे पढ़ने आता सी, फिर अगों मदन मोहन लाल, ठीक है जी, इन्हां दे ये बसीन कौम दे सन ते उत्ते जिहड़े सन वो सेठी सन, गुड, दुकानदारी पेशा जी और गह दे रहने वाले सन, हरभजन लाल गंडामल, इन्हां दी भी वो दस रहे हैं कि अगों जिहड़ी सी वो मजदूरी करते सन, अगले, वाह जी वाह, लो जी वाह जी वाह, 22 नंबर के उत्ते सरदार मनमोहन सिंह जी का 5 5 5 टोटल नंबर किन्ने ने जी, 39 नंबर जड़े ने इन्होंने ले ने और फिर पास ने, वेरी गुड जी, तुसी देखो, सॉरी हाँ जी 39 नंबर जड़े ने इन्हों दे ए पासिंग मार्क्स लिखे हुए ने, जगिंदर सिंह के 45 ने, 39 यानी कि तुसी देखो कि एक मीडियम, बहुत ज़्यादा लायक नहीं इन्हों तो, जोगिंदर सिंह 45 नंबर सगो उत्ते सन,
6 नंबर उत्ते ने, फिर उस तो बाद अहमद खान है उन्हां तों 2 नंबर उत्ते ने। एक क्लास दोन दा, एक तीसरी, वो देखो जी यह दूसरी क्लास दा रिजल्ट है, यह तीसरी क्लास दा रिजल्ट है जी। वाह जी वाह, देखो तुसी यार मैं तो हैरान रह गया वा, 18वें नंबर दे उत्ते 55 नंबर ले ने जी इस वेले क्लास दे विच, मतलब कि दूसरी पोजिशन ते ने इस वेले। यह देखो 56 नंबर ने इत्थे, और इत्थे जिहड़े ने 52 ने, और यह 55 ने मनमोहन सिंह दे, यानी कि क्लास दे विच दूजी पोजिशन लई है इन्होंने, पास होए ने जी। वेरी गुड, बहुत वधिया। अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल हालात कुछ खराब हुए उस सन, तो उस वेले जिहड़े ने दस रहे ने कि क्लास जिहड़ी है सिर्फ पास ही दस्या गया है सरदार मनमोहन सिंह 15वें नंबर के उत्ते। वेरी गुड जी, तुसी तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड सर रखिया होया संभाल के। मैं गल करना चाहवागा इत्थे दे मास्टर साहब ने, वो सानू कुछ मालूमात देणगे पिंड दे मुतलक और सरदार मनमोहन सिंह जी दे बारे। इत्थे डॉक्टर मनमोहन सिंह दे हवाले च मैं दसना चाहना वा, डॉक्टर मनमोहन सिंह इत्थे साडी धरती पैदा होए और दुनिया के बहुत बड़ी जमहूरीत दे वज़ीर आज़म बने। सानू बहुत खुशी कि इस स्कूल चो पढ़ के उन गए और उन्हें दुनिया की सब तो बड़ी जमहूरीत उन्हें वज़ीर आज़म रहे, और उन्होंने वज़ीर आज़म बनने नाल गाँव में काफ़ी तरक्की हुई, जिसकी वजह तो बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल सोलर सिस्टम मिलया, सानू दुआ मस्जिद भी सोलर सिस्टम लगे वा, उस तरह जी सानू जीटी रोड मिलया। असी अज भी मीडिया के थ्रू या मैं पता चलिया भी इस वक्त बीमार हूँ, असी दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी देवे, तो उन हंसते खुश आबाद रहो, तो और मुल्क दे साड़ी भी साढ़े गाँव की भी कोई खिदमत कर सको तो सानू बहुत खुशी हो सी। लेकिन करतारपुर बार्डर भी तभी वो आना चाहते, लेकिन बस मुल्की हालात इस वजह तो नहीं आ सके, लेकिन साड़ा बच्चा और स्कूल का हर पिंड का ग्रां का बंदा ये ख्वाहिश करता भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक बार अपनी धरती से विखा और उन्होंने इस्तकबाल करा। बहुत शुक्रिया जी सर। ये सन ये मास्टर साहब थोड़े पुराने ने, ये बिल्कुल यंग साढ़े जड़े ने, मतलब कि उमर साहब ने। उमर साहब तुसी की विचार सांझे करने चाहो? बस असं यही चाहते हैं कि दोए मुल्क नांदी बिरादरी सारी आपस अमनो इतिहाद ना रवे। अगर उस टाइम कुछ हालात भी ऐसे सन, मजबूरियां सन, घर बार छोड़ने को एडे सौखे नहीं, बहुत औखा काम है। नाम सौखा सर, कागजी करवाइया तो बड़िया सौखिया ने, लेकिन अपने जाए पैदाश नु छोड़ना बड़ा औखा है। असि मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो अल्लाह पाक उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए, इस तो अलावा अल्लाह पाक जिस टाइम उन्होंने सेहत देवे, इस ग्रां दा पिंड दा जिस ग्रां दी धरती नूं वो छोड़ के गए सन, वो आण के दोबारा इत्थे अपनी यादां ताज़ा कर लैन। बहुत शुक्रिया जी मास्टर साहब। देखो कि हैड मास्टर साहब भी कह रहे हैं कि एक बारी वो आन अपनियां यादां ताज़ियां करन। असी तां 2016-17 दे विच भी आके मेरे नाल दिल्ली तो आए हुए मेहमान सन जिहड़े गुरप्रीत सिंह आनंद जी इत्थे आए सन, वो इन्हां दा घर भी देख के गए सन, और उन्होंने हैरान हो गए सन सारे देख के कि एक आम जे पिंड दे विच्चों एक बच्चा कोहलियां दा बच्चा उठ के ते वो इस तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत दा। और सब तो मज़ेदार गल है कि उन्होंने टन्योर दे विच कोई जंग कोई लड़ाई किसी किस्म का कोई कुछ नहीं होया, ता ही तां उन्होंने इन्ने प्यार मुहब्बत मिले और उन्होंने ऑनरली जिहड़ा वो नवाजिया गया कि डॉक्टरेट की डिग्री जिहड़ी है उन्होंने दी गई और उन्होंने डॉक्टर भी ओके लाए। साड़ियाँ बहुत ज़्यादा सारिया नेक तमन्नावान ने, और यह जड़ा उपराला है सारा किया है किन्ने रेडियो साडे वाला और वैब टी वी साडे वाला ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो ऑल राइट्स आर रिजर्व बाय रेडियो साडे वाला एंड वैब टी वी साडे वाला। नो वन हैव टू राइट टू डाउनलोड दिस वीडियो टू दैन शेयर, इफ यू वॉन्ट शेयर दैन यू प्लीज़ यूज़ अवर रियल लिंक ऑफ द वीडियो और एफ बी पेज और यूट्यूब पेज। तो एक बार असी फिर यही कहेंगे कि साड़ियाँ बहुत ज़्यादा सारिया नेक तमन्नावान ने कि अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्तियाँ दे, और चलते हाँ असी उन्हों का घर भी विखावे पिंड भी दिखावे, वो हो सकता है कि उन्होंने यादा देख के कई बार यह होंगे कि एक आवाज़ आती है ना मिट्टी आवाजा मार दी, तो मिट्टी वाकई बंदे आवाजा जरूर मार दी है, लेकिन
कई बार मिट्टी दे विच बंदा मिट्टी विच ही पूरा हो जाता है और कई बार आके मत्था टेक लैंदा। असी सारा रिकॉर्ड देखिया, सारा कुछ देखिया, सानू बहुत वधिया लगा। असी मास्टर साहब तो यह पूछना चाहवांगे कि इत्थे दे हैड मास्टर ने इन्होंने दस्सिया कि असी बड़ा प्राउड फील करते हैं, फखर महसूस करते हैं कि साढ़े स्कूल का एक होनहार तालिबान जिहड़ा उन्हें इन्ना वड्डा नाम पैदा किया। सो असी इन्हां कोलों पुछदे हाँ कि ये की चाहणगे, की कहना चाहते हैं, कोई इन्हां इन्हां दी उन्हां दे मुतलक की सेंटीमेंट्स ने या इन्हां दे की ख्वाहिशात ने। जी हेडमास्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चाहना कि क्योंकि 1947 तो बाद ना सिर्फ इत्थे लोग गए ने, साड़ी जो पंजाबी सकाफत आई वह भी नाल नाल मधुम होती वैनी पी। तो मैं चाहना कुछ ना कुछ कि जी साड़ी सकाफत है वो बंदे उस तरफ फिर रागब होन, ताकि बंदियां नूं पता चले भाई ये भी साड़ी सकाफत है, ये सिर्फ टीप टाप नहीं, ये साड़ी सकाफत है। उस तो अलावा मैं चाहना कि पहली गल तो यह है कि सरदार मनमोहन सिंह साहब नूं अल्लाह पाक सेहत देवे, लंबी आजादी देवे। उस तो बाद मैं वारसा नूं यह कहना चाहना, मैं चाहना कि उन्होंने जिंदगी दी इस्तेमाल हुई कुछ चीज़ां उस स्कूल नूं डोनेट करें जिते उन्हें पढ़िया, जिता उन्हें अपना बचपन गुजारिया, और असी भी इन्हां बच्चों नूं दस सकां कि ये बंदा वो बंदा है जिस दावरे जड़ी वड़ी जमहूरियत उस तक हुक्मरानी की है, तो उस तो बाद एक अमन वाली हुक्मरानी की है, ना कि कोई बेड़ फसाद वाली हुक्मरानी की है। किसी भी शक्ल में हो सकती, उन्हें कलम हो सकता, डायरी हो सकती, उन्होंने पग हो सकती, उस तो बाद और इस्तेमाल शुदा स्कूल दौर दी कोई चीज़ां भी हो सकदियां ने। होर मजीद मैं उन्हां दी जिंदगी वास्ते दुआ करदा हूँ कि अल्लाह पाक उन्हां नूं सिद्ध दे, ते अल्लाह पाक साढ़े मुल्क और पड़ोस मुल्क नाल एक अमन आला जिहड़ा दौर है ना उसका आगाज़ होवे। बहुत शुक्रिया जी। ये चाह रहे ने कि अगर मैनू मेरा मैसेज जिहड़ा है सरदार मनमोहन सिंह जी की फैमिली तक जाता है, उन्होंने परिवार तक जाता है, तो प्लीज़ वो समझ इस गल नूं कि स्कूल वाले चाहते हैं कि उन्होंने कुछ यादगिरियां, उन्हों का कोई पेन, उन्होंने कोई डायरी, उन्होंने कोई हाथ लिखत, उन्होंने कोई तस्वीर, उन्होंने सिर की दस्तार, उन्होंने पाया हुआ कोई ड्रैस, कोई चीज़ा ऐसा चीज़ा हो जड़िया कि डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी के जुड़िया हो चीज़ा जड़िया ने उस स्कूल नूं गिफ्ट करन, और आने वाले जिहड़े बच्चे ने जिहड़े शिशक ने जिहड़े इत्थे पढ़दे ने बच्चे उन्हां नूं एक मोटीवेशन मिल सके कि भी साढ़े स्कूल का एक तालबे इलम, एक स्टूडेंट, एक बच्चा 10 साल तक दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत का वजीरे आजम रहा है, कि बच्चों नूं एक आगाही मिले, एक नॉलेज मिले, और एक स्कूल की हिस्टरी का चैप्टर भी जिहड़ा वह भी इत्थे रख्या जाए। तो बहुत शुक्रिया। असी गल करते हाँ स्कूल दे एक बच्चे दे नाल, वो अपनी डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी बारे की कहना चाहेगा। मैं थोड़ा मम्मा जमाल वल्दीयत बेटा मम्मा दशरफ केड़े ग्रह च रहने हो गए गए तो केड़े स्कूल च गवर्नमेंट प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में। अच्छा जी प्राइमरी स्कूल गैर ने मेची पढ़ने तुसी भी जी। अच्छा बेटा मैं तुम दसो कि भी इतने पता है कि भी थोड़े स्कूल में एक बहुत शख्सियत गुजरी है तारीख के उन्होंने मतलब तुम जानने हो जी जानने हो के नाम है उन्होंने मनमोहन सिंह। अच्छा मनमोहन सिंह इतने तुम पता इतने पढ़ के गए ने जी पता है तो की उन्होंने मतलब तुम की पता चलिया जी पता है वो 5 जमातें यहाँ पर पढ़ कर गए हैं और वो इंडिया के बहुत बड़े आजम थे। बेटा पता चला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी, और हमारी दुआ है अल्लाह पाक उन्हें जल्द तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा तुसा पता कि भी एथों पढ़ के जान वाला देखो एथों पढ़ के 5 जमातां पढ़िया तो फिर वो वजीर आजम बनना है जी, तुसी की कहना चाहोगे जी? अल्लाह जी हम उन पर बहुत फख्र है कि उन्हें
उन्हें हमको ये स्कूल बनाकर दिया और हम इसमें आज पढ़ रहे हैं। उसके अलावा गांव में क्या क्या किया जी? वो गांव में गलियां बनवाई हैं। अच्छा अच्छा, सोलर सिस्टम लगवाया है। गुड, शाबाश। अस्पताल बनवाए हैं, आए स्कूल बनवाया है। वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता है ये सारा काम उन्होंने करवाया है? जी दो जी, छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें वास्ते दुआ गो ने कि डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी ने रब ताला तंदुरुस्ती बख्शे, सेहतां बख्शे, क्योंकि एक बहुत वड्डा सरमाया ने और चढ़दी कला दे विच रहन। रब रखा, फिर हाजिर होंगे।